नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। दोस्तों, आज बात करूँगा राहु के विषय में। राहु स्वर भानु नाम का एक राक्षस, जिसने अमृत पीने की लालसा से एक समुद्र मंथन में अपना हिस्सा लिया, अपना भाग लिया, और भगवान विष्णु द्वारा, मोहिनी रूप द्वारा, उसके बाद भगवान विष्णु के द्वारा ही उनके सुदर्शन चक्र से राहु के दो टुकड़े हो गए। सिर अलग हुआ, धड़ अलग हुआ। एक हुआ केतु, दूसरा हुआ राहु। जो ऊपर का भाग है, सिर का भाग, यह बना राहु। तो दोस्तों, राहु की कभी भी अभिलाषा पूरी नहीं होती। राहु एक छलिया भी है, यह कपटी भी है, यह भूखा भी है। इसको हर चीज़ चाहिए। जो भी एक मनुष्य के जीवन में जरूरतमंद चीज़ें होती हैं, इसको वह भर भर के चाहिए। आज मैं इसी राहु के विषय में बात करने जा रहा हूँ। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, नए दर्शक, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, अर्ध कायम महावीर्यम चंद्रदित्य विमर्दनम सिंहिकाग्र सम्भुतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। जो सिंहिका नामक राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न हुए, वह राहु है। आज राहु की बात करेंगे कि 9 ग्रहों में राहु के अलावा जो 8 ग्रह हैं, इनके साथ 7 ग्रह, माफ कीजिए, क्योंकि राहु और केतु कभी भी एक साथ नहीं होते। लेकिन मैं इसके विषय में एक बात बताऊंगा आपको अंत में, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें तो आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। राहु की युति आज मैं बताने जा रहा हूं, प्रत्येक भाव के हिसाब से कि राहु आपके जीवन में क्या कर सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा राहु की युति यदि सूर्य के साथ हो और प्रथम भाव में हो, तो सूर्य हमारे हृदय का कारक है, हमारी आत्मा है सूर्य। जब भी राहु सूर्य के साथ प्रथम भाव में बैठते हैं, यहाँ पर व्यक्ति बहुत क्रोधी हो जाता है, उसके अंदर लालच भी आता है, थोड़ा कपट भी आता है, और उसको हृदय से संबंधित कोई ना कोई रोग किसी उम्र में जाके हो जाता है। क्योंकि राहु जो हमारा हृदय है, और माफ कीजिएगा, सूर्य जो हमारा हृदय है, राहु जब पहले भाव में इनके साथ विराजमान होते हैं, तो यह हृदयघात बीच में कभी भी लाइफ में जरूर आता है यदि सूर्य की पावर कम हो। तो यहाँ पर ज़्यादातर व्यक्ति को इंटेलिजेंट भी बनाता है, क्योंकि सूर्य की पावर को भी राहु यहाँ पर खींचता है। व्यक्ति बहुत एक्टिव होता है, समझदार भी बहुत होता है, लेकिन बोलते समय नहीं सोचता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्रोध छोटी छोटी बातों पर उसको आ जाता है। दूसरे भाव में यदि सूर्य और राहु की युति होती है, तो यह परिवार के लिए खतरनाक होती है। सूर्य राहु एक ग्रहण दोष बन जाता है, क्योंकि राहु हमेशा सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो दूसरा भाव जो होता है, परिवार का होता है। परिवार में ऐसे व्यक्ति की नहीं बन पाती, थोड़ी थोड़ी बातों पे अपने परिवारजनों पर क्रोध करता है व्यक्ति, और उसका जो धन संचित होता है, कभी ना कभी बेवजह सूर्य और राहु की जब महादशांत दशा होती है, तो उसका व्यर्थ जाता है। वह कमाया हुआ धन कहीं ना कहीं व्यर्थ चला जाता है। दूसरे भाव से वाणी का विचार भी होता है, तो यहाँ पर वाणी व्यक्ति की खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सूर्य क्रोध कराता है। मैंने आपको बताया एक गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह होने के साथ साथ राहु भी एक साथ में बैठ जाए, तो यहाँ पर व्यक्ति की जुबान, उसकी वाणी मीठी नहीं होती, वह कर्कश वाणी बोलने वाला हो जाता है। आप चाहे युति देख लें अपनी कुंडली में, तो यहाँ पर वाणी के कठोर होते हैं व्यक्ति। अब तीसरे भाव में सूर्य और राहु की युति व्यक्ति को बेवजह भ्रमण कराता है, बिना मतलब के, किसी जहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो पाता, जहाँ पर उसको कोई सोर्स नहीं दिखता, वहाँ पर व्यक्ति भागता है, उसको दिशा नहीं मिलती, व्यक्ति दिशाहीन भी हो जाता है। अकेला राहु यहाँ पे हो तो कुछ अलग बात होती है, जब सूर्य के साथ हो तो यहाँ पर व्यक्ति की एनर्जी में भी कमी आ जाती है, काम करने की क्षमता कम होती है और व्यक्ति आलस ज़्यादा करता है। कोई भी काम करते समय
शुरुआत में ही उसको आलस बहुत आता है और वह काम डिले होता है। छोटे भाई बहनों के साथ क्रोधी रहता है या बनती नहीं है उस व्यक्ति की जिनके थर्ड हाउस में राहु और सूर्य हो। चौथे भाव में जब सूर्य और राहु हो तो यहाँ पर माता के लिए कष्टकारी होता है। माता को कोई ना कोई रोग परेशान करता है या कोई ना कोई कष्ट हेल्थ इश्यूज होते हैं। यहाँ पर पिता के साथ भी अनबन रहती है व्यक्ति की और पिता के साथ मतभेद होते रहते हैं, मानसिक तनाव होते रहते हैं और व्यक्ति यहाँ पर पैसा तो खूब कमाता है, प्रॉपर्टी अपनी बनाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उस प्रॉपर्टी में आगे जा करके कोई ना कोई विवाद जरूर पड़ता है, क्योंकि राहु सूर्य की ज्योति चतुर्थ भाव में सुख भाव में सुखों में कमी कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको उपाय मैं अंत में बताऊंगा। यहाँ पर माता के सुखों में भी कमी आ जाती है। माता का आप जितना भी करेंगे कहीं ना कहीं आपको ये रहेगा कि आपकी माता आपके पक्ष में नहीं रहती, वह अपनी अलग संतानों दूसरी संतानों से प्रेम ज़्यादा रखेगी तो आपसे थोड़ा कम रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मन मुटाव माता के साथ रहता है, जन्म देने वाली माता। और पिता के साथ भी इसी राहु ग्रहण, राहु और सूर्य ग्रहण के कारण पिता के साथ भी थोड़े संबंध खराब रहते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा होता है, भूमि के मामले में अच्छा होता है, क्योंकि दोनों पापी ग्रह यहाँ पे बैठते हैं। तो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों को अर्जित कर लेता है और अपने जीवन में आगे अपना जीवन यापन करता है। लेकिन उसको समझदारी से चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर राहु और सूर्य ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो इन चीज़ों से छल और कपट से बचना पड़ेगा, खास करके जब प्रॉपर्टी का कोई मामला हो। पंचम भाव में सूर्य राहु की युति होना, यदि विद्यार्थी हैं तो विद्या में समस्या आएगी। यदि आप किसी साइंस मेडिकल लाइन से जा रहे हैं, उस चीज़ को स्टडी को कर रहे हैं, तो वहाँ भी समस्या आपको आएगी। यहाँ पर सूर्य राहु संतान उत्पन्न होने में व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, संतान होने में देर होती है। यदि संतान होते समय होने वाली होती है, डिलीवरी का समय होता है, वहाँ उस समय भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या कई बार यदि फीमेल है तो अबॉर्शन भी होते हैं इसमें। तो संतान का इस भाव में ग्रहण का होना सूर्य और राहु का, यह संतान के लिए भारी होता है, शिक्षा के लिए भी खराब होता है। अकेले सूर्य हो तो कुछ अलग बात होती है यहाँ पे। छठे भाव में सूर्य राहु व्यक्ति के ऊपर कर्जा, रोग, इन चीज़ों को ला देते हैं। सूर्य तो दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहु यहाँ पर जब सूर्य के साथ ज्योति बना करके बैठते हैं तो व्यक्ति को कोई ना कोई रोग जरूर सताता है। नेत्रों की कोई समस्या हो सकती है या हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। राहु यहाँ पर बेवजह दुश्मन बनाता है, लेकिन यहाँ पर जिसके सूर्य राहु होता है वह व्यक्ति अपनी स्टडी में उच्च शिक्षा प्राप्ति करके आगे किसी अच्छी जॉब में होता है। यदि यहाँ पर व्यापार करता है तो कहीं ना कहीं व्यापार डूबने की आशंका ज़्यादा बनी रहती है। सप्तम भाव में सूर्य राहु पति पत्नी का हमेशा विवाद रहता है, तलाक तक नौबत आती है और कई समस्याएं अपने व्यापार में देखने को व्यक्ति को मिलती हैं। यहाँ से प्रथम भाव को जब सूर्य राहु देखेंगे तो प्रथम भाव हमारे मन का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी बॉडी का होता है। तो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट व्यक्ति को रहते हैं, नेत्रों संबंधित प्रॉब्लम या फिर हार्ट की समस्या बनी रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। अष्टम भाव में सूर्य राहु होने से व्यक्ति को बार बार संकटों का सामना करना पड़ता है, चोट इत्यादि लगती हैं, कोई ना कोई हृदय घात की संभावना बनी रहती है और व्यक्ति का अपना ही कोई खास उससे छल करता है। पुरुष में कोई भी परिवार में ऐसा व्यक्ति हो, उसी व्यक्ति से जिसके सूर्य और राहु अष्टम में हो, तो उससे छल कपट होता है। ससुराल में ऐसे व्यक्ति की बहुत कम बनती है या बनती ही नहीं है। दूसरे भाव में दोनों का देखने के कारण यह मान के चलें कि बाणी को भी खराब कर देते हैं। व्यक्ति को बार बार अंधकार में जाना पड़ता है, काम पूरा होते होते फिर पीछे जाना पड़ता है इस सूर्य और राहु के कारण। नवम भाव में सूर्य राहु हो तो यहाँ व्यक्ति सूर्य, मैंने आपको बताया है, ये हमारे हृदय का कारक होता है, हमारी सोच समझ, हमारे ज्ञान का कारक, हमारे पिता का कारक। तो यहाँ पर जो भाग्य के स्थान है नवम भाव और धर्म का भाव है, तो यहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में
कुछ ऐसे विचार आते हैं कि वह अपने धर्म से दूर होना शुरू हो जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति यहाँ पर धार्मिक स्थान जाता रहे तो उसके राहु यहाँ पर दिमाग व्यक्ति का ज़्यादा खराब नहीं करेगा, नहीं तो व्यक्ति भटक जाता है। पिता के साथ मतभेद रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, पिता के साथ बन नहीं पाती। और होता क्या है, भाग्य में जो पिता के द्वारा संपत्ति मिलनी होती है उससे व्यक्ति वंचित रह जाता है। दशम भाव में जब सूर्य और राहु बैठे हों तो ऐसे में व्यक्ति अपने कर्म में उसके उच्च अधिकारी जो होते हैं वह ही उससे चिढ़ते हैं, उससे नाराज रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करने में तो बहुत अच्छा होता है, कोई भी जिस काम में भी है अपने काम में आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक अभाव रहता है कि जो मेरे सीनियर हैं वह मेरे से अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। 11वें भाव में सूर्य राहु, ये मान के चलें यदि आप नॉन वेज यूज़ करते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं तो संतान में कमी करते हैं, कमी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है और राहु की भी। यहाँ पर यदि आप सही तरीके से चलते रहेंगे जीवन में तो पैसा खूब कमाएंगे, क्योंकि यह लाभ का स्थान है। सूर्य की पॉजिटिविटी भी आपको मिलेगी और राहु की भी जो है पूरी शक्ति से आपको राहु धन प्रदान करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। 12वें भाव में जब सूर्य राहु हो तो ऐसे में व्यक्ति को नेत्रों की समस्या होती है, नेत्रों में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, आंखों में दर्द हो सकता है, पानी इत्यादि, यानी कुल मिलाकर के नेत्रों की कोई ना कोई समस्या जरूर हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति अपने विदेश में जाकर के अपना कारोबार सेट कर सकता है या अपने स्टडी के बेस में बाहर जा करके अपना नाम कमा सकता है और धन अर्जित कर सकता है और जीवन में बहुत तरक्की कर सकता है। तो मैं थोड़ा तेजी से बताऊंगा, चंद्र की बात करूंगा। चंद्र राहु पहले भाव में व्यक्ति के मन को बिल्कुल अशांत रखते हैं, उसको कभी भी शांति नहीं मिल पाती है, कोई भी काम करता है व्यक्ति तो मन अशांत रहता है। दूसरे भाव में चंद्र राहु व्यक्ति की वाणी को भी खराब करते हैं, व्यक्ति की वाणी के आघात से माता को परेशानी ज़्यादा आती है और स्वयं का मन भी बाद में खराब होता है कि मैंने क्या बातें की हैं। तीसरे भाव में छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद रहते हैं और कोई ना कोई पेट से संबंधित समस्या व्यक्ति को रहती है। चौथे भाव में चंद्र राहु जब एक साथ बैठे हों युति बना करके, माता के साथ संबंध व्यक्ति खराब होते हैं और यहाँ पर जो अचल संपत्ति होती है उसके जाने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर व्यक्ति यदि कोई दूध का काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में कष्ट भोगने पड़ते हैं। पंचम भाव में चंद्र राहु हो तो यहाँ पर संतान के लिए ठीक नहीं माना जाता, व्यक्ति खुद भी कुछ ना कुछ गलत चीज़ें यूज़ करता है जिसके कारण संतान उत्पत्ति में भी व्यक्ति के समस्याएं आती हैं। यहाँ पर चंद्र और राहु होने से पितृ दोष भी लग जाता है। तो छठे भाव की बात करेंगे, छठे भाव में शत्रुओं के द्वारा व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, कर्ज से परेशान रहता है जब चंद्र राहु की युति छठे भाव में हो, और बार बार व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता, कुछ पॉइंट्स में पीछे रह जाता है। सप्तम भाव में मन हमेशा धर्म पत्नी या पति के कारण परेशान रहता है, क्योंकि चंद्र राहु का यहाँ पर ग्रहण दोष हो तो यहाँ पर व्यक्ति अपने ही स्पाउस से परेशान रहता है। चंद्र का अर्थ होता है मन, यहाँ पर मन परेशान होगा उस चीज़ के लिए जिस भाव में वह दोनों ग्रह बैठे होंगे। अष्टम भाव में व्यक्ति को जल से भय रहता है, जब भी वह जल में स्नान करता है तो कोई ना कोई ये मान के चले कि उस व्यक्ति के कोई ना कोई दाने इत्यादि जरूर बॉडी में निकल जाते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति गंगा जी में स्नान करे तो इस भाव का दोष लगभग खत्म हो जाता है। अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान माना जाता है, यहाँ पर व्यक्ति का जो मन परेशान होता है अपने ससुराल को लेकर के होता है, उसके ससुराल वाले ही उसके घर में इन्वॉल्व होते हैं, बेवजह दखलंदाजी करते हैं जिसके कारण व्यक्ति का मन परेशान रहता है और व्यक्ति को कई प्रकार के रोग जो कि सही नहीं होते, जिसको हम कहते हैं कई बार पानी बढ़ना या व्यक्ति के अंदर फैट आ जाना, ये चीज़ें राहु और चंद्रमा के कारण यहाँ पे होती है। मानसिक तनाव हमेशा रहता है। नवम भाव में व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है, क्योंकि यह भाग्य का है, भाग्य के लिए अपने आप को कोसता है कि मेरा भाग्य क्यों नहीं बन रहा, मेरा भाग्य क्यों नहीं चमक रहा। यहाँ पर चंद्र और राहु भाग्य स्थान में बैठ करके भाग्य में रुकावट पैदा कर देते हैं। दशम भाव में यदि चंद्र राहु हो तो व्यक्ति अपने ही कर्म क्षेत्र में परेशान रहता है,
क्योंकि राहु की युति चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष पैदा करती है और एक अच्छा योग नहीं है। अच्छा योग ना होने के कारण जिस भाव में दोनों बैठेंगे वहां पर कुछ ना कुछ व्यक्ति को परेशानी जरूर आएंगी। अपने ही कर्म स्थान में व्यक्ति परेशानी से अपना समय निकाल रहा होता है कि कैसे ये समय निकले और मैं अपने घर जाऊं, घर में भी शांति नहीं मिलती व्यक्ति को जाके। 11वें भाव में चंद्र और राहु बैठे हों तो व्यक्ति अपने आमदन को लेकर परेशान होता है कि मैं जितना कमाता हूँ उतना ही मेरा खर्चा बढ़ जाता है। 12वें भाव में खर्चे पे खर्चा होगा। व्यक्ति को बार बार मेडिसिन में, दवाइयों में अपना खर्चा करना पड़ता है। माता के लिए कष्टकारी होता है, माता की दवाइयों के ऊपर व्यक्ति का खर्च बहुत होता है। और यहाँ पर यदि व्यक्ति विदेश चले जाते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति की रातों की नींद भी उड़ जाती है, क्योंकि 12वां भाव बेचैन कर देता है, व्यक्ति को सोने नहीं देता। तो यहाँ पर अब मैं बात करूँगा मंगल और राहु की। मंगल राहु 1वें भाव में व्यक्ति को खूब क्रोध कराएगा, व्यक्ति के ब्लड को गर्म करेगा। व्यक्ति बोलते समय देखेगा नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, धर्म पत्नी सामने आएगी, सबसे ज्यादा चिढ़ेगा उसी से व्यक्ति। राहु और मंगल की युति अंगारक दोष पैदा करती है, 1वें भाव में व्यक्ति की व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को खराब कर देगा, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को इतना आता है, इसमें छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिड़ जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो भिड़ंत होती है वह अपनी धर्म पत्नी या पति के साथ होती है, सारा क्रोध उस पर निकल जाता है, जिसके कारण आगे जाके मामला गड़बड़ हो जाता है। 2वें भाव में राहु और मंगल की युति धन को जलाती है। पैसा तो आता है लेकिन कहीं ना कहीं खर्च होने की तैयारी पहले से होती है, परिवार में ही, परिवार के सदस्यों पर ही वह पैसा खराब होता है या लग जाता है। और वाणी व्यक्ति की बहुत कर्कश होती है, जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि पत्थर फट जाए। मंगल और राहु 2वें भाव में व्यक्ति को खूब क्रोधी और पैसा खर्चीला भी होता है। ऐसा व्यक्ति जगह जगह खर्च करता है, इसलिए उसका धन सेविंग नहीं हो पाता, टिकता नहीं है और परिवार में ही कहीं ना कहीं खर्च होता रहता है पैसा। 3वें भाव में मंगल राहु की युति अंगारक दोष यानी छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा क्रोधी रहना, लड़ाई झगड़ा रहना, उनके साथ मन ना मिलना, छोटी मोटी यात्राओं में भी कष्ट आ जाना, इसके अलावा कई प्रकार के व्यक्ति को ब्लड से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। 4वें भाव में मंगल राहु माता के साथ रिलेशन खराब करते हैं। यदि व्यक्ति जब भी कोई प्रॉपर्टी लेता है, कोई गाड़ी लेता है, कोई मकान लेता है तो उसको समस्या जरूर आती है, या फिर अपने इन चीज़ों को लेने में यदि व्यक्ति लोन लेता है या कहीं से पैसा उधार लेता है तो जीवन भर के लिए पछताता है। यहाँ पर व्यक्ति के साथ बार बार धोखे होते हैं 4वें भाव में जब मंगल राहु हो। 5वें भाव में संतान के लिए सही नहीं होता, उसकी शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, स्वयं के लिए भी ये मान के चलें, यह भाव विद्या के लिए, शिक्षा के लिए सही नहीं होता। यहाँ पर मंगल राहु की युति व्यक्ति को छोटी उम्र में, छोटी क्लास में ही व्यक्ति की स्टडी छूट जाती है। यदि व्यक्ति उसको फिर भी कंटिन्यू करता है तो कहीं ना कहीं वह स्टडी उसके काम नहीं आ पाती और व्यक्ति अपना प्रोफेशन कुछ और चेंज कर लेता है, स्टडी के बिल्कुल विपरीत। 6वें भाव में मंगल राहु का होना व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, लोगों का कर्जा उसके सिर पर चढ़ता है और कर्जा उतारना उसको मुश्किल हो जाता है। बार बार अग्नि का भय होना, घर में कोई दुर्घटना होनी, इलेक्ट्रिकल शॉक्स वगैरह होने या इस प्रकार के कोई बिजली से संबंधित कोई समस्या घर में उत्पन्न होना, बार बार तारों में आग लग जाना, बार बार चोट लगना, एक्सीडेंट्स होना, ये सब मंगल राहु 6वें भाव में। यहाँ पर व्यक्ति के ऊपर मुकदमा जरूर चलता है किसी न किसी समय, किसी भी बात पर मुकदमा चले, कोर्ट कचहरी का कोई केस चले तो यहाँ पर 6वें भाव से देखा जाएगा। 7वें भाव में मंगल राहु ओहो, यहाँ तो ये मान के चले स्पाउस के साथ भयंकर लड़ाई व्यक्ति की रहती है। अपने जो बिजनेस पार्टनर होता है उसके साथ भी व्यक्ति की नहीं बन पाती होती है, क्योंकि यहाँ का कनेक्शन सीधा 1वें भाव से होता है, लगन से। यहाँ पर जिसका मंगल राहु हो तो शांति करा करके ही उसकी उसके बाद अपना विवाह इत्यादि करें। यदि विवाह के बाद ही प्रॉब्लम आ रही है उसकी समस्या का समाधान मैं आगे जाके बताऊंगा वीडियो के अंत में, इसलिए स्किप ना करें, देखते रहें। 7वें भाव में बता दिया है, 8वें भाव की बात करूंगा, मंगल राहु। 8वें भाव का जो मंगल राहु होता है यह एक भयंकर दोष बन जाता है। 8वें भाव में जिसका भी चाहे आपने ये नहीं देखना कि नीच मंगल है, उच्च मंगल है, आपने केवल युति देखनी है। मंगल यदि और राहु दोनों की युति 8वें भाव में है तो व्यक्ति को बार बार पेट की समस्या आती है, किडनी संबंधी समस्या आती है, जो पेट से नीचे के अंग हैं, गुप्त अंग, उनकी समस्या व्यक्ति को आती है।
और इनके हल नहीं मिल पाते। डॉक्टर के पास जाते तो बीमारी का हल नहीं मिलता, व्यक्ति दवाई खाते खाते जीवन अपना आगे ले जाता है, यानी दवाइयों में ही व्यक्ति का जीवन बीतना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर बार बार दुर्घटनाएं व्यक्ति के जीवन में होती है। यदि यहाँ पर मैं एक उपाय बता रहा हूँ, यदि व्यक्ति हनुमान जी का पाठ करता रहे तो उसके मंगल और राहु का दोष यहाँ का नहीं लगेगा, उसको बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। संकट मोचन हनुमान, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर व्यक्ति करता रहे तो उसकी कई समस्याएं यहाँ पे समाप्त हो जाएंगी। नवम भाव में मंगल राहु हो तो भाग्य में वृद्धि नहीं हो पाती है, भाग्य कमजोर हो जाता है, पिता के साथ हमेशा मतभेद रहता है, व्यक्ति धर्महीन भी हो जाता है, अपना धर्म भी चेंज कर लेता है। दसम भाव में मंगल राहु हो तो व्यक्ति को अपने कर्म स्थान में ही जो लोग कर्मचारी हैं उनके साथ व्यक्ति की नहीं बन पाती, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके ही डिपार्टमेंट के व्यक्ति या कर्म क्षेत्र के व्यक्ति उसकी काट करने को तैयार रहते हैं, तो यह दसम भाव का जो है परिणाम होता है। ग्यारहवें भाव में मंगल राहु, ग्यारहवें भाव का मंगल राहु लाभ स्थान में दोनों बैठे हैं युति बना करके, तो यहाँ पर ये मान के चले कि मंगल राहु आपको खूब पैसा देंगे, खूब पैसा देंगे, खूब लाभ अर्जित आप करोगे, लेकिन यहाँ पर कर्जा बराबर बना रहता है व्यक्ति के ऊपर। कभी लोन ले लेना, कभी किसी से उधार ले लेना, तो उसको उतारते उतारते, हाँ यही यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है कि व्यक्ति के पास पैसा आता रहता है और चुकाता रहता है। बारहवें भाव का मंगल राहु व्यक्ति को विदेश यात्रा तो कराता है, लेकिन यहाँ पर दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं, बार बार हॉस्पिटल में खर्चा होना। मंगल दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, मंगल जो है ये हमारे रक्त का कारक होता है, हमारे अंदर जो एनर्जी है ये मंगल है, जो हमारे अंदर क्रोध है, गुस्सा है, उत्साह है, ये मंगल है। तो जब मंगल राहु के साथ बैठे तो राहु भी क्रोधी ग्रह है, राक्षस ग्रह है, दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो अंगारक दोष बन जाता है। अंगारक किसको कहते हैं? ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें अंगार निकलते हैं, तो वो चीज़ बन जाती है। जहाँ पर भी ये दोनों बैठेंगे ये मान के चलें कि व्यक्ति के उस भाव को खराब कर देते हैं लगभग। यहाँ पर अंत में मैं एक उपाय बताऊंगा, सबके लिए होगा वो। दोस्तों, बारहवें भाव में बार बार हॉस्पिटल में खर्चा होना, दवाइयों में खर्चा होना, बेवजह जो है पैसों का खर्चा हो जाना, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, व्यक्ति का जीवन ही खर्चों में इस प्रकार निकल जाता है। और यही रहती है ग्रहों की कोशिश कि इसके पास सेविंग ना हो, क्योंकि यह हानि का भाव है, खर्चों का भाव है। बुध और राहु की युति प्रथम भाव में बुद्धि का हरण करती है, लेकिन यदि इन बुध और राहु को सही कर लिया जाए तो ऐसे व्यक्ति ऐसा बुद्धिमान भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये जड़त्व दोष हो जाता है। राहु और बुध प्रथम भाव में लगन में व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी निखार देते हैं। यदि यह नीच अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में ना हो, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ काम ऐसा कर देता है जिससे उसके ऊपर कोई कलंक भी लग जाता है। बुध और राहु दूसरे भाव में यहाँ पर अच्छे हों तो बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति वाणी का मीठा होता है, अपनी वाणी के द्वारा अपने क्लाइंट को आकर्षित करने वाला होता है, अपनी वाणी के द्वारा अपने परिवार में मिठास प्राप्त करता है, प्रेम प्राप्त करता है। लेकिन यही राहु और बुध यदि खराब पोजिशन में हो, खराब पोजिशन की बात का मतलब ये है कि जब राहु वृश्चिक में हो या अपनी शत्रु राशि में बैठे हों यहाँ पर, और बुध भी अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में हो, दोनों का कंजक्शन हो जाए, युति हो जाए, तो यहाँ पर व्यक्ति की वाणी ही खराब होती है। व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरे व्यक्ति को पिंच होता है, तो यहाँ पर परिवार में भी जब व्यक्ति बोलता है तो सारे परिवार वाले दुखी हो जाते हैं जब ऐसी कंडीशन होती है। अदरवाइज बुध और राहु की युति यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती है। व्यक्ति अपनी वाणी के बल पर ही आगे अपने धन को अर्जित करता है, खूब पैसे वाला बन जाता है, उसके पास सेविंग भी अच्छी होती है और परिवार में भी मिठास से रहता है। तीसरे भाव में बुध राहु यदि अच्छे ना हो तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ अक्सर विवाद रहता है, और व्यक्ति छोटी मोटी यात्राओं में भी कुछ ना कुछ असफलता ही प्राप्त करता है। कोई ना कोई दांतों संबंधित व्यक्ति को, मसूड़ों से संबंधित व्यक्ति को प्रॉब्लम होती रहती है, सांस की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे में घास में जरूर घूमा करें नंगे पैर। चौथे भाव में मंगल राहु हो तो यहाँ पर माता के लिए थोड़ा कष्टकारी होता है। यदि माफ कीजिएगा, बुध और राहु जब एक साथ युति बना करके बैठे हों चौथे भाव में, तो यहाँ माता के लिए कष्टकारी, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में खूब प्रॉपर्टी बना लेता है, वाहन खरीदता है अपने दम पर, मतलब आगे तरक्की ही तरक्की करता है, क्योंकि
इनकी दृष्टि आगे जाके दसम भाव में भी होती है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। पंचम भाव में बुध राहु व्यक्ति बुद्धिमान होता है, यदि यहाँ पर खराब हो तो बुद्धि से विहीन हो जाता है और आगे समस्या भी आती है। व्यक्ति की संतान विद्यावान होती है, बुद्धिमान होती है, तो ऐसे में ये मान के चले बुध और राहु पंचम भाव में लगभग अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यह सूर्य का भाव होता है। छठे भाव में बुध राहु व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाते हैं, शिक्षा में व्यक्ति बहुत आगे जाता है, हायर एजुकेशन में बहुत आगे जाता है। सप्तम भाव में बुध और राहु पति पत्नी का थोड़ा मतभेद जरूर कराते हैं, यदि यहाँ पर अच्छी राशि में ना बैठे हों। अष्टम भाव में बुध राहु व्यक्ति को भ्रमित करते रहते हैं, यदि अच्छी राशि में ना हो, अपनी मित्र राशि में ना हो, तो व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है, डरता है, डरपोक भी होता है, उसको थोड़ी थोड़ी बातों में डर लगना शुरू हो जाता है। नवम भाव में जब बुध और राहु हो तो व्यक्ति जितना धर्म स्थान में जाता है उतना ही उसकी बुद्धि काम करती है, उतना ही बुद्धि से काम लेकर के आगे अपने भाग्य को व्यक्ति सुधार लेता है। दसम भाव में बुध राहु अच्छा माना जाता है, बुध और राहु की युति जब दसम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति किसी लीडर से कम नहीं होता, लेकिन यही जब नीच राशि में होते हैं या खराब राशि में होते हैं, जिस जो इनके लिए खराब होती है, तो वहाँ पर यह अपने कर्म क्षेत्र में नुकसान करना शुरू कर देते हैं। बुध और राहु जब ग्यारहवें भाव में हो, ग्यारहवें भाव में बुध राहु का होना ये मान के चलें कि व्यक्ति के पास पैसा ही पैसा आएगा। जब नीच होगा, खराब ग्रहों में बैठे होंगे, राशि में बैठे होंगे, तो ऐसे में व्यक्ति का पैसा तो खूब आएगा लेकिन वैसा ही निकलता जाएगा। बारहवें भाव का बुध और राहु व्यक्ति को विदेश पहुंचाता है, अब रोड में ही व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है अपने जीवन में। यहाँ पर बुध राहु जब युति बनी हो तो व्यक्ति को थोड़ी माइंड की समस्या जरूर आती है, व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है दिमाग से किसी न किसी बात को लेकर के। दोस्तों, आज के लिए मैं वीडियो लंबी हो रही है इसलिए आज मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। आगे मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगा बृहस्पति और राहु से लेकर के अंत में केतु तक। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।